गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो टुडे लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 6. इन दिस क्वेश्चन इट सेज दैट इन द फिगर द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. फर्स्ट इट इज गिवन दैट दिस बोथ आर कॉन्ग्रुएंट. नाउ द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर मार्क. मैंने आपको बताया था जो ये वाले साइन होते हैं, जैसे ये यहां वन है, यहां है ये, इसका मतलब जो ये लेंथ है इस लेंथ के इक्वल है. The side AT is equal to NO, and this sign is says that AR is equal to WO, and this angle is equal to this. This is equal to this. This is equal to this. Okay, so we can write. हम लिख सकते हैं कि triangle RAT. मतलब इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया कि आप कोरेस्पोंडेंस बताओ कि आप कैसे कोरेस्पोंड करोगे कि इसमें पहले जो R आया है इसमें क्या आएगा. ओके सो हम क्या करते हैं, बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली स्टेप टू स्टेप इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखते हैं. अच्छा ये बताइए स्टूडेंट्स कौन सा क्राइटेरिया लगेगा. चलो मैं आपको पहले कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिख देती हूँ, आप अपने आप समझ जाओगे इन ट्रायंगल आर ए टी. एंड ट्रायंगल फिलहाल हमें नहीं पता है तो हम कोई भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी आप चेकआउट कर सकते हैं बाय एंगल्स. एंगल से पढ़ लेते हैं. आर मीन्स डब्ल्यू, ये सिर्फ आपका रफली है ये समझो ट्रायंगल का नाम. यहां हम कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जब हम कॉन्ग्रुएंट का साइन लगाएंगे तो ट्रायंगल का नाम आपका कोरेस्पोंडेंस के हिसाब से ही आना चाहिए, एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द कोरेस्पोंडिंग पार्ट. नाउ डब्ल्यू ओ एंड एन, डब्ल्यू ओ एंड. ओके नाउ लुक एट दिस फिगर स्टूडेंट्स. इन दिस फिगर ऑल एंगल्स आर इक्वल. इसके इस फिगर के सभी एंगल्स इक्वल है ना. ओ आर है वो डब्ल्यू के इक्वल है, ए है वो ओ के, लेकिन एंगल 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 का हमारे पास कोई कंसेप्ट नहीं होता. तो अब हम इस पे और कोई क्राइटेरिया लगा सकते हैं. दो साइड्स दे रखी हैं, हम देख सकते हैं कि अगर उनके बीच का एंगल इक्वल है देन इट इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट. तो हम वही वाला लगाते हैं, टू साइड्स इक्वल है. सो ए आर इज इक्वल टू डब्ल्यू एंड ए, इधर डब्ल्यू एंड ओ. डब्ल्यू ओ रीजन क्या लिखोगे, गिवन. नाउ अब हम एंगल लिखते हैं, साइड लिखिए तो एंगल ए, ए को क्या लिखोगे आप, आर ए टी. क्या होता है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में हम लेफ्ट हैंड वाली ट्रायंगल के नाम लिखते हैं और राइट हैंड साइड हम राइट हैंड साइड वाली ट्रायंगल्स के पार्ट्स लिखते हैं. अब हम इस एंगल की बात करें आर ए टी. अब ये देखिए ये कौन सा एंगल किसके इक्वल है जहां पे टू लगे हैं, ये वाला. कैसे रीड आउट करेंगे, डब्ल्यू ओ एन, डब्ल्यू ओ विच इज ऑल्सो गिवन. नाउ ए टी इज इक्वल टू, आप देखिए जहां पे ये वाला साइन है वहां से रीड करना स्टार्ट करेंगे, दिस इज ओ एंड दिस साइड्स आर इक्वल, सो ओ एन. ओके ओ एन दिस इज ऑल्सो. नाउ ट्रायंगल पढ़िए अब आप, आर देखो आर ए टी, आर ए टी कॉन्ग्रुएंट टू, हम वही सेम वाली वो वाली ट्रायंगल्स पढ़ेंगे, ट्रायंगल डब्ल्यू ओ एन, डब्ल्यू ओ एन. अंडरस्टूड, क्राइटेरिया बताइए कौन सा है. देखो दो साइड इक्वल है और उनके बीच का एंगल, तो कौन सा क्राइटेरिया हुआ, बाय दो साइड उनके बीच का एंगल मीन्स साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, इसने यही पूछा था कि ये ट्रायंगल आपकी किस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगी. ओके सो कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो सिक्स्थ क्वेश्चन सेज दैट कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स.
First we complete it. Now in this B C A. Now let's see B C A. आपको क्या करना है, सिर्फ कॉन्ग्रुएंस पार्ट बताने हैं कि कोरेस्पोंडेंस कैसे होंगी, और वो हमें आसानी से पता है कि जो एंगल इक्वल है हम वहीं से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे. नाउ देखो वर्टेक्स बी है, इस पे जो एंगल बना है वो देखते हैं हम, दूसरा किस पे बनेगा. ये वाले इक्वल है दोनों, तो नेक्स्ट बी क्या आएगा, बी, क्योंकि बी यहां से इक्वल है. अब हम देखते हैं कि बी सी ए था तो यहाँ बी टी ए होता है या बी ए टी होता है, ये वाली बात हमें चेकआउट करनी है. अब आप देखिए ये 90 का एंगल है तो यहाँ भी 90 का होगा. वाय लीनियर पेयर, लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री. सो मतलब हमारा ए की जगह क्या आएगा, ए सी टी बी टी ए. देखिए बी बी के इक्वल है, ये वाले ये क्या शो करते हैं कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है. इक्वल है तो ये दोनों, जब हम इसको क्या करेंगे, एक दूसरे की कार्बन कॉपी है, देखो कैसे ऊपर रखेंगे इसको, यहां से उठा के आप ऐसे मोड़ दोगे तो सी के ऊपर क्या जाएगा, टी, और बी बी, और ए तो कॉमन है आपके. सो बी ए, यहाँ बीच में सी है, सो बी ए एंड टी एंगल. ओके, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, इसका पूरा लिखोगे आप जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखवाया था दिस एंगल. सो स्टूडेंट्स नाउ इन नेक्स्ट पार्ट, ये समझ आया सभी को, जो वर्टेक्स आपके कॉमन होते हैं, जो एंगल कॉमन है उसकी जगह ये लिख लेंगे, एंगल बी दोनों में कॉमन है, ए आपके दोनों में है, और सी की जगह आपका टी वर्टेक्स होगा, कोरेस्पोंडेंस है ना. ऐसे बी की बी से, और आपकी जो सी है उसकी टी से. अंडरस्टूड? नाउ लुक एट इन दिस क्यू आर एस. अब आप एंगल देख लीजिए, जो एंगल क्यू है वो किसके इक्वल है, एंगल टी के, मींस एंगल क्यू, क्यू की जगह क्या लिखेंगे, टी. नाउ एंगल आर, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल पी, सो आर की जगह आपका पी, एंड एस, एस आपका क्यू, तो क्या बने ट्रायंगल टी ई, ये आपके क्या होंगे, कॉन्वेंट. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? आपको सिर्फ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स देखने थे, आप देख भी सकते हैं जो क्यू आर है वो किसके इक्वल होगी, टीपी के. आप देख लीजिए क्यू क्यू आर, दिस इज टीपी, ये रही टीपी, देखो वन वन है ना, और जो आपकी आर एस है पीछे वाली आर एस है वो आपकी पी क्यू के इक्वल होगी. आप देख सकते हैं वेर इज आर एस, आर एस एंड पी क्यू, पी क्यू. अंडरस्टूड? सो ऐसे आपकी कोरेस्पोंडेंस होती है, मतलब ये वाला एंगल जिसके इक्वल है उसके आपके आपके पास उसकी कोरेस्पोंडेंस होगी. आपको वर्टेक्स ही कोरेस्पोंड करने थे ना, कि दोनों आपकी कार्बन कॉपी है लेकिन हम किसको कैसे रखते हैं, तो क्यू के ऊपर आपका टी आएगा, जब इनको मोड़ेंगे हम इसको कैसे रोटेट करेंगे, ऐसे क्यू के ऊपर आपका टी आएगा और आपका आर के ऊपर आपका पी आएगा. अंडरस्टूड? सो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है और ये आपके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है. जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो कंप्लीट इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा आपने रूल लगाया है. वैसे इसमें तो देखो तीनों साइड बराबर है, तो आपका साइड 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 रूल भी लगा है, और भी लगा सकते थे आप, तीनों एंगल्स भी बराबर है, आपका ये वाला भी लगा सकते थे क्योंकि दो एंगल इक्वल है, उनके बीच की साइड भी इक्वल है, और आपका दो साइड और उनके बीच का एंगल भी इक्वल, आप देख सकते हैं ये आपकी दो साइड, ये आपकी साइड, दोनों एंगल, और ये आपकी दो साइड, इनके बीच के एंगल आप देख लीजिए, वन और टू के बीच का क्यों आपका टी के इक्वल है. अंडरस्टूड? सो आपके तीनों क्राइटेरिया इसमें अप्लाई होते हैं, आपकी मर्जी है, किसी एक को भी डिफाइन करके आप इसको कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे.